हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। आज हमारे कैलेंडर का पार्ट 3rd है, तो जो लोग अगर इस पार्ट को हमारे पहली बार देख रहे हैं तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग हमारे इस पार्ट को देखने से पहले हमारे कैलेंडर के पार्ट 1st और 2nd को ज़रूर देख लीजिएगा, देन उसके बाद ही पार्ट 3rd देखेगा, क्योंकि हमने पार्ट 1st और 2nd में जो भी आपके कैलेंडर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और उस चीज़ को देखने के लिए आपका यहाँ पर एक आई आइकन का एक बटन आएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस पर देख सकते हो पार्ट 1st और हमारे 2nd को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, ओके। क्योंकि वहाँ पर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कैसे आप लोग अपना टाइम बचा सकते हो, क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगा सकते हो, ट्रिक के थ्रू कैसे क्वेश्चन को लगा सकते हो, वो सारी चीज़ें हमने आपको पार्ट 1st और 2nd में बता दी है। अब हम आज के पार्ट 3rd में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ओके। हमारे एग्जाम में आखिर क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ओके। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा अगर सॉरी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ओके। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल है BSA ट्रिकी क्लासेस। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। फर्स्ट टाइप का देखिए किस तरह से आता है, अगर हम बात करें टाइप वन की, ठीक है, अगर बात करें टाइप वन की, तो टाइप वन में हमारा क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिन के नाम के आधार पर दिन ज्ञात करना होता है, ठीक है। दिन के नाम के आधार पर दिन ज्ञात करना, यानी कि आपको कोई डेट दे रखी होगी उसके आगे दिन दे रखा होगी, जैसे कि 10 तारीख है, इस दिन आपका सोमवार था, तो अगले महीने की 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके टाइप वन में आते हैं, ओके। देखिए इसको एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका एक पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, किसी माह में 3 दिन बाद 4 तिथि को शनिवार आता है, ठीक है। यानी कह रहे हैं 3 दिन के बाद जो चौथी तिथि आती है उस दिन शनिवार आता है, तो उसी माह की 27 तिथि को कौन सा दिन आएगा। और आपके ऑप्शन दे रखे 5 कि सोमवार आएगा कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इनका साफ साफ कहना है, जो पहले टाइप का क्वेश्चन है कि दिन के आधार पर हमें दिन ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर आपको डेट दे रखी है, हाँ, जैसे कि इसने आपको बता दिया कि 4 तारीख को आपका क्या पड़ता है, शनिवार है, 4 तारीख को आपका शनिवार है, ओके। फिर पूछ रहे हैं कि आपका उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे कि 7 दिन बाद आपका दिन रिपीट होता है, ठीक है, अगर हम 4 में 7 को ऐड कर दें तो उसके बाद जो भी आपका जो भी डेट आएगी, जैसे कि हमने इसमें 4 में 7 ऐड कर दिया तो हमारा आया 11, तो 11 तारीख को भी आपका क्या होगा, शनिवार होगा। इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे निकालना है, स्पीड में कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से हमने 4 बार इसमें ऐड कर दिया, यानी कि 28, ठीक है, 7 4 जाए 28, तो हम क्या करेंगे 4 में 28 को ऐड कर देंगे, आपके ये ज़्यादा निकल जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम 21 लेंगे यहाँ पर, तो आपका आ गया 25, तो आपको पता चल गया कि 25 डेट को आपका क्या होगा, शनिवार होगा, और आपको निकालना है क्या, 27 तारीख, ठीक है। तो 27 को कौन सा दिन होगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि शनिवार में 1 दिन आगे बढ़े रविवार और 1 दिन और आगे बढ़े सोमवार, तो आपको पता चल गया कि आपका 27 डेट को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया ए। आई होप आपको वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या भी आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो कैलेंडर से रिलेटेड तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप वन पर ही चल रहा है,
अब दे रखा है आपका, यदि किसी माह की 10वीं तिथि को रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो, ठीक है, 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले, यानी कि अगर रविवार है ये तो इसके 3 दिन पहले, पहले दूसरे और तीसरे, तो इस दिन आपकी क्या है, 10वीं तिथि पड़ती है, यानी कि ये दिन 11, 12, 13, ठीक है, रविवार के 3 दिन पहले 10वीं तिथि पड़ती है, तो पूछ रहे हैं दूसरी तिथि को कौन सा दिन होगा। तो आपको बताना है कि 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको ज्ञात करना है इसमें, ठीक है, दूसरी तिथि को। तो देखिए अभी हमने बताया जैसे कि 7 ऐड करते हैं तो वही दिन आता है। अब देखिए 13 को आपको पता है कि क्या है आपका, रविवार है, ठीक है, इसमें से अगर हम 7 कम कर देंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 13 में से आपका 7 गया तो आपका आ गया 6, ओके, तो आपको पता लगा कि आपका जो 6, मतलब यानी कि जो 6 तारीख होगा उस दिन आपका क्या होगा, रविवार होगा। लेकिन आपको कौन सी डेट निकालनी है, 2 तारीख, आपको बताना है कि 2 तारीख को आपका कौन सा दिन होगा, कि दूसरी तिथि को कौन से दिन पड़ेगी, तो यानी कि आपको उसमें 4 दिन पीछे आना पड़ेगा। आपको निकालना 2 तारीख तो रविवार से 4 दिन पहले आए, 1 दिन पहले आए तुम्हारा क्या पड़ गया यहाँ पर, शनिवार, उससे पहले शुक्रवार, उससे पहले आपका बृहस्पतिवार, और उससे पहले आपका पड़ जाएगा यहाँ पर बुधवार, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि 2 तारीख को आपका कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखिए आपका जो थर्ड आज का क्वेश्चन है क्या है, लीप वर्ष। इस क्वेश्चन का भी कहा लीप वर्ष ना लिखकर यहाँ पर अधिवर्ष भी लिख के आता है, ठीक है। तो लीप ईयर में आपको पता है कि 366 आपके डे होते हैं, ठीक है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? तो आपको बताना है कि वैसे आपको पता है कि नॉर्मल जो आपका साधारण वर्ष होता है उसमें आपका 365 दिन होते हैं, ठीक है, जो आपका जो सिंपल ईयर होता है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें आपके 365 दिन होते हैं। लेकिन जो आपका लीप ईयर होता है जिसमें आपका 29 फरवरी पड़ता है उसमें आपके 366 दिन होते हैं। अगर 365 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 7 5 35, 7 2 14 और +1 15, तो आपका 52 इसमें क्या पड़ते हैं, सप्ताह पड़ते हैं, जो साधारण वर्ष होता है। और आपका जो 1 दिन होता है शेष होता है तो 1 दिन आपका इसमें ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई 1 दिन होता है जिस जो आपका पूछा जाता है, जैसे 52 सप्ताह है तो आपको पता चलेगा कि 52 दिन तो आपके 52 बार पड़ेंगे, सॉरी जो आपके 7 दिन है वो तो 52 बार पड़ेंगे ही, और 1 दिन कोई होगा उसमें वो क्या पड़ेगा आपका, 53 बार होगा। वैसे ही आपका 366 में है तो 366 में आपके 52 सप्ताह तो होगा +2 दिन इसमें एक्स्ट्रा होंगे, यानी वो 2 दिन होंगे जो 53 बार पड़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कुल कितने बुधवार पड़ेंगे। वैसे अगर कुछ होता तो उसके 52 तो पता ही कि 52 तो होंगे, लेकिन 53 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन या तो ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा, अब ये चेक करना है कि कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि 1 जनवरी को आपको दे रखा है कि मंगलवार है, ठीक है, तो आपको दे रखा है कि 1 तारीख को आपका मंगलवार है। अगर आप साधारण वर्ष की बात करते तो जो भी 1 तारीख को पड़ेगा, जो भी डेट पड़ेगी वो आपकी 53 बार होगी उस पूरे साल में, वो दिन आपका पूरे साल 53 बार पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका ये साधारण वर्ष होता, अगर कहता कि साधारण वर्ष है जिसमें आपका 1 तारीख जो है मंगलवार की है, तो पूछता कि उसमें कुल कितने मंगलवार होंगे या कोई अदर डे पूछ लेता, तो आप कहते जैसे मंगलवार की बात हो रही तो ये 53 बार पड़ेंगे, ओके, और कोई अदर डे पूछता तो वो 52 बार ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हुई है 366 दिन की, तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें 1 दिन आगे वाला होता है। देखिए मंगलवार तो आपका पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके आगे आएगा आपका बुधवार, ठीक है। तो आपका पता है ना कि 52 सप्ताह होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा कौन से वाले हैं इसमें, मंगलवार और बुधवार, ठीक है, मंगलवार और बुधवार, यही वो 2 दिन है जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके पूरे साल में 53 बार पड़ेंगे, ओके। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि अगर यहाँ पर मंगल दिया होता तो वो भी आपका 53 बार पड़ेगा, और बुध दिया है उसके जस्ट अगला वाला जो दिन है वो भी आपका 53 बार पड़ेगा अगर आपका लीप ईयर दे रखा होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका बिल्कुल क्लियर कर देंगे। फिलहाल तो आपके आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर हमारे कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को देख लेते हैं तो कैलेंडर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है आपके सारे के सारे दूर हो जाएंगे, ओके।
तो आप लोग हमारे इस पार्ट सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा। ओके चलिए देखते हैं। ये तो हम लोग जो क्वेश्चन आज हमने 3 लगाए, ये तो हमारे टाइप फर्स्ट के थे। हमने आपको टाइप फर्स्ट में क्या बताया था कि दिन के आधार पर हमें दिन निकालने हो। ओके अब देखते हैं हमारा टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि दिन के नाम के आधार पर दिन ज्ञात करना हो, ठीक है। लेकिन अगर टाइप सेकंड की बात करेंगे तो देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका कैलेंडर में आता है। टाइप सेकंड में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है आपका स्मृति के आधार पर, ठीक है। स्मृति यानी कि मेमोरी पर आधारित। तो ये आपका भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इस चीज को भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो देखिए क्या है आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या है, जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले होता है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद किंतु 4 मार्च से पहले है। तो मार्च की किस तिथि को उनकी माता का जन्मदिन था, तो आपको यह बताना। देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है कैलेंडर में। तो देखिए जतिन के अकॉर्डिंग उनकी माताजी का जन्मदिन ये कह रहे हैं कि 12 से 17 मार्च के बीच में होता है, यानी कि 13 भी डेट आ रही है, 14 भी आ रही है, 15 भी आ रही है, 16 भी आ रही है जतिन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर उसके सिस्टर की बात करें, जतिन की सिस्टर की बात करें, तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो सिस्टर कह रही है कि ये कहती है कि 10 से 14 के बीच में पड़ता है, ठीक है। इनके सिस्टर को याद है कि इनकी माताजी का जन्मदिन 10 से 14 के बीच में पड़ता है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग 11 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है, 13 को भी हो सकता है। तो अब आपको राइट डेट बतानी कि आखिर राइट डेट है क्या जिस दिन उनकी माता जी का जन्मदिन था। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन डेट है वो चेक करते हैं। तो देखिए इसमें आपका 13 है और इसमें आपका कौन सा है, 13 देता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया वो आपका क्या होगा, 13 14, ठीक है ना। कि जतिन के अकॉर्डिंग इनकी मम्मी का जन्मदिन जो भी माता जी का जन्मदिन है इन 4 दिन में पड़ेगा, और सिस्टर के अकॉर्डिंग जो जन्मदिन है वो 11 12 और 13 को पड़ेगा। तो इन दोनों में जो कॉमन डेट निकली हमारी वो 13 निकली, तो इसलिए हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 13 मार्च, सॉरी चौथा ऑप्शन इसमें था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका होगा डी वाला। ओके तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। ओके थैंक यू।